हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उसके प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में। जी हां फ्रेंड, ये जो रिजल्ट है बिहार बीएसपीएचसीएल की तरफ से निकाल दी गई है, जो कि बीएसपीएचसीएल का मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से एग्जाम लिया गया था आईटीआई के लिए। विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर एग्जाम लिया गया था, जो कि इसका फॉर्म जो है फ्रेंड वो 8 सितम्बर को निकाला गया था और इसका एग्जाम जो है वो नवम्बर के महीने तक लास्ट तक ले लिया गया था। तो इसका रिजल्ट जो है फ्रेंड वो डिक्लेयर हो चुका है। तो 2050 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, तो ये आईटीआई पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी जिसका रिजल्ट जो है फ्रेंड वो आ चुका है। तो इसमें कितना कट ऑफ रहा है, स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है, तो पूरा रिजल्ट देख लेते हैं नाम के साथ। तो कैसे चेक करेंगे आप अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिजल्ट। तो इस वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड अंत तक। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ लिस्ट के बारे में दोस्तों। तो बात कर रहे हैं फ्रेंड कट ऑफ लिस्ट की। तो कट ऑफ लिस्ट आप यहां देख सकते होंगे फ्रेंड, यूआर जनरल के लिए जो कट ऑफ लिस्ट गया है वो 58.90 इसका कट ऑफ लिस्ट गया है फ्रेंड। और यूआर वुमेन में बात कर ले तो वुमेन के लिए 33.43 कट ऑफ लिस्ट गया है। तो अगर आप इससे ऊपर ऊपर आपका मार्क्स आया हुआ तो आप सेलेक्ट हो गए होंगे फ्रेंड। और एससी की बात कर ले तो एससी में जो कट ऑफ गया है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। एससी में जो कट ऑफ गया है वो 46.83 है जनरल के लिए, जबकि वुमेन के लिए यहाँ पे 8.69 कट ऑफ लिस्ट गया है वुमेन कैंडिडेट के लिए। और एसटी में बात कर ले तो एसटी में जनरल के लिए 52.07 कट ऑफ लिस्ट गया है और वुमेन के लिए 15.65 कट ऑफ लिस्ट गया है वुमेन के लिए एसटी कैटेगरी में फ्रेंड। और बात कर लेते हैं ईबीसी कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में जो जनरल के लिए कट ऑफ लिस्ट गया है वो है 52.08 और वुमेन की बात कर ले तो वुमेन के लिए 8.88 कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर गया है फ्रेंड। तो इससे ऊपर ऊपर आपका मार्क्स अगर आया हुआ तो आप सेलेक्ट हो गए होंगे। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड कैसे देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। तो ये अब बात कर लेते हैं बीसी की यानी बैकवर्ड क्लासेस के। तो यहाँ पे जनरल के लिए 56.23 कट ऑफ लिस्ट गया हुआ है, जबकि वुमेन के लिए 26.99 कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर गया हुआ है फ्रेंड। और बीसी एफ फीमेल की बात कर ले तो यहाँ पे 11.79 कट ऑफ लिस्ट अलग से गया हुआ है, ये अलग कैटेगरी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ स्पेशली कोटा के अंदर जो आते हैं यानी पीएच कैंडिडेट दिव्यांग, तो उनके लिए जो वीएच कैंडिडेट है उनके लिए 37.61 कट ऑफ लिस्ट गया है, जबकि एचएस वाले में जो आते हैं वो उनके लिए 35.97 है, ओएच के लिए 46.80 कट ऑफ लिस्ट गया हुआ है। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर कोटा भी अलग से दिया गया था फ्रेंड, तो इसके लिए भी कट ऑफ लिस्ट निकाला गया जो कि 40.94 कट ऑफ लिस्ट है फ्रेंड। तो ये तो बात रही थी कट ऑफ लिस्ट की। तो आप इसे कैसे देख सकते हैं, तो आप यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर इसको रिजल्ट को देख सकते हैं, स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। तो इसका एग्जाम जो है फ्रेंड वो सीबीटी एग्जाम लिया गया था नवंबर के महीने में, 28/11/2018 तक इसका एग्जाम ले लिया था। इसको बात कर लेते हैं अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट की, कि अब तो ये रिजल्ट आ चुका है तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कब होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड वो 10 जनवरी से, जी हाँ फ्रेंड, 10 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये जो आपका रिजल्ट में अगर नाम आ गया है तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 10 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट का। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट हैं। तो यूआर में जो सेलेक्ट किए गए वो 510 है यूआर वन में, और यूआर में जो अलग से सेलेक्ट किया गया उसमें 1025 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, जबकि एससी में 328 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। और एसटी की बात कर ले तो एसटी में 21 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। और ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में 369 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है फ्रेंड। और बीसीएफ की बात कर ले तो बीसीएफ में अलग से 61 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है फ्रेंड। और सिर्फ बीसी की बात कर ले तो बीसी में 246 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए मैं इसका थोड़ा आपका नाम दिखा देता हूँ इसमें कितने नाम जो है वो है। तो इसमें जो है सबसे टॉप जो किया फ्रेंड वो किया है राजा विशाल ने, आप इसको देख सकते हो। इसका डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1997 है और इसका जो स्कोर आया हुआ है वो 93.00 इसका स्कोर आया हुआ है। तो ये सबसे हाईएस्ट गए हुए हैं राजा विशाल, इसके बाद प्रभात कुमार आते हैं, फिर विक्रांत कुमार आते हैं। तो ये तीन जो है वो टॉप किया हुआ है यू आर जनरल कैटेगरी में। तो इनकी जो रिजल्ट आई है यूआर की वो 1025 है, इसमें इन्होंने टॉप किया हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और आगे।
तो ये देख सकते होंगे फ्रेंड, इसका जो कट ऑफ लिस्ट गया वो दीप शिखा जो अंतिम पर है 1025 नंबर पर है दीप शिखा, जिनका कट ऑफ लिस्ट 33.433 है फ्रेंड। तो ये लास्ट है यूआर कैटेगरी में। और बात कर ले अब एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी में जो टॉप किया वो राजू रजवार है, फिर सुमित कुमार है। इनका जो कट ऑफ लिस्ट है हाईएस्ट वो 58 पॉइंट समथिंग है फ्रेंड, आप देख सकते होंगे 58 पॉइंट समथिंग इसका कट ऑफ लिस्ट है। और वेरिफिकेशन डेट जो इनका होगा एससी का वो होगा 12 जनवरी को। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा फ्रेंड। तो इसी तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं पूरे नाम के साथ, यहाँ पूरा नाम के साथ दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे लिस्ट के साथ, नाम के साथ, ताकि आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके ये पूरा चीज़ देख सकते होंगे डिटेल में। तो मैं आपको वेबसाइट में भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपको। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड, आप देख सकते होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, आप यहाँ पर सीधा देख सकते होंगे ऊपर टॉप पर इक्वेटेड स्कोर ऑफ कैंडिडेट एग्निस्ट EN8 2018 पर, तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ देख सकते होंगे जैसे मैंने क्लिक किया ये पेज आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पर आपको कोड जो यहाँ पर दिख रहा है वो कोड आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप अपना स्कोर कार्ड पूरा रिजल्ट नाम के साथ देख सकते हैं फ्रेंड। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे बिहार बोर्ड का वो आ चुका है स्टेट पावर बोर्ड का। तो चलिए फ्रेंड, आपको एक वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, तो उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।